सिविल लाइन थाना अंतर्गत बांसघाट मोहल्ले में दो युवकों पर चाकू से प्रहार किया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। यह घटना गुरुवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस संजय गांधी अस्पताल पहुंची और घायल युवक से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घनश्याम शर्मा पिता अंबिका 22 वर्ष निवासी अस्पताल चौराहा की इस घटना में मौत हो गई। वहीं प्रेम सोंधिया निवासी धोबिया टंकी की हालत खतरे से बाहर है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि यह घटना इश्कबाजी से जुड़ी है। कपड़े की दुकान में काम करने वाली लड़की को लेकर यह बड़ी वारदात हो गई। वहीं आरोपियों की पकड़ने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने अस्पताल चौराहा पर घंटों जाम लगा रखा है। घटना कल 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे ये प्रेम सोंधिया फोन लगाया लड़के को हमारे, इसको वहाँ काले चौराहे में कोई मार रहे थे 3-4 लड़के, वो फोन लगाया इसको कि जाओ तुम हमको यहाँ घेरे हैं। हाँ जैसम चौराहा में ये जैसे जाता है उसको छोड़ के उसको एक आध झापड़ मारे और इसके डायरेक्ट इसको सीना में, दो लोग पकड़ के सीना में चाकू मार दिए डायरेक्ट। न कोई बात हुई न कोई चीज हुई। हाँ सड़ेन की तरह बुलाया गया उनको। हाँ वो मारने वाले ये लोग बताते हैं चश्मदीक कवा थे, चश्मदीक थे 3-4 लोग। हाँ ये थे। अब हमारी मांगे हैं कि इनको गिरफ्तारी की जाए, इनके घर में बुलडोजर चलाया जाए और फांसी की सजा दी जाए इनको। जैसे हमारे लड़के को हुआ ऐसे इनको भी हो, ऐसे उनको भी हो। मुख्य अपराधी अभी नहीं पकड़ा गया जो संजीश रचने वाला है। संजीश किसी और की है, संजीश रचने वाला कोई और है, यही बैठा है 2 महीना से प्रताड़ित कर रहा है हमको। मई से आए दिन हमारे घर में पुलिस घुसती थी, यही है मैया पुलिस उसी लड़के को पकड़ने। हमारा नाम बबलू शर्मा है। हाँ पेट्रोल लेके बैठे हम, आगे लगा लेंगे। वो तक जब तक अपराधी न पकड़ा जाएगा, संजीश करने वाला जो पुलिस मेरे घर भेजता था, जो पुलिस को पैसे दे के मेरे घर भेजता था, 2-3 बार पुलिस मेरे घर में घुस चुकी है, 2-3 बार पुलिस मेरे घर में घुस चुकी है, उसी को पकड़ने के लिए। पूरा मामला बताओ, क्या मामला था? सर मैं दुकान से अपने निकला, वो लड़की मेरे साथ पहले काम करा करती थी, फिर काम करना बंद किया, पर रास्ते मिल गए तो मैं उसको घर छोड़ने गया। तो क्या वो कुछ रास्ते लड़के उसके पीछे से मेरे कॉलेज चौराहे के पास आए तो मेरे को रोक, पहले एक झापड़ मारे, फिर मैं अपने भाई को फ़ोन किया तो मेरा भाई आया घनश्याम, तो मैं जहाँ घनश्याम के साथ मिल गया, विश्वास भी मेरा मिला वहीं पर। फिर हम लोग जब जैसे ही बोले कि उस लड़के को छोड़ आया जाए, वो लड़की मेरे को पहचानती थी, जैसे लड़के को छोड़ने के बीच रास्ते मेरे को रोक के पहले मेरे को मारे, तो मेरा घनश्याम बीच में आ गया तो उसको अलग से पकड़ के लेके चाकू मार दिया उसको। लड़की किसके, तुम्हारे साथ? हाँ मेरे साथ में थी, मेरे साथ में गई थी, पर उसको पहचानते थे। सिर्फ 15 दिन हुआ था, सिर्फ 15 दिन। विवाद का कारण क्या? विवाद का कारण सर वो लड़की का, वो जो जो मारा है वो लड़की का बॉयफ्रेंड था। हाँ जो मारा वो उसका बॉयफ्रेंड था। हाँ पहले का पुरानी रंजीश थी घनश्याम के साथ। उसका अरे 3 लड़के थे सर, एक अमन अमन गुप्ता था, एक सोनू सिंह था और एक अरे का नाम था, एक टुका राजेश तिवारी उर्फ गोलू। नाम क्या? ये सब गांव के हैं। अरे कहाँ, इधर के लाल गांव के। आपका नाम क्या? प्रेम सोंधिया।
जिसका फोन है उसका प्रेम घन मेरे भाई का दोस्त था, उसको चार पांच लोग लुगाए थे वहाँ जयस्तम के पास। वो फोन करता है मेरे भाई घनश्याम शर्मा को, घनश्याम वहाँ जाता है उसको बचाने के लिए। इतने में दो तीन लड़के उसको पकड़ लेते हैं, एक लड़के उसको सीने में चाकू मार देता है सीधे। इसके बाद और मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सब लोग मारते हैं, लोग भागते हैं, इनके सामने पकड़ लेते हैं इनको मोहल्ले वाले, और तीन लड़के पकड़ के मेरे भाई घनश्याम को सीने में चाकू मारते हैं। दिल में चाकू, पूरा मोहल्ला खड़ा होता है और मुझे भी मारने के लिए पूरा मोहल्ला दौड़ पड़ा। लड़की भी थी क्या? उनके साथ एक लड़की थी, वो लड़की भी उनके साथ थी, वो लड़की वहीं पास खड़ी थी, वो लड़की भी आई है यहाँ, उस लड़की के सामने मारा गया है। ये मेरा भाई विश्वास पांडे वहाँ खड़ा था, इनको पकड़ लिए थे और उसको उसके सीने में उसको तीन लोग पकड़े थे, तीन चार लोग पकड़े थे, पकड़ के चाकू मारे हैं। रीवा में आए दिन हर दूसरे दिन पहले दिन अपराध हो रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नाम मेरा धीरज पांडे है, मैं क्या